दोस्तों, अगर आप यूपी के पेंशन लाभार्थी हैं तो आप अपने पेंशन का पैसा किस तरह से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से चेक करेंगे, चाहे आपका वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन हो या दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन है, तो आप अपने पेंशन का पैसा बिना बैंक जाए अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर से कैसे चेक करेंगे कि आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, और जो है आपका पेंशन का पैसा आया हुआ है तो कितना आया हुआ है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा पेंशन रिलेटेड संबंधित जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किस तरह से अपने पेंशन का पैसा चेक करना है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, जैसा कि मैंने गूगल क्रोम को यहाँ पर ओपन कर लिया है। आप भी जो है अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप कर देना है PFMS, इतना डाल के आपको सिंपली सर्च पे प्रेस कर देना है, और उसके बाद में आपको सबसे फर्स्ट पे वेबसाइट मिल जाएगी PFMS की। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट पर जो है टच कर देना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और इस पर आप जैसे टच करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे, तो ये PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप अगर पहले से भी PFMS पोर्टल के माध्यम से अपना पेंशन का पैसा भी चेक किए हैं और आपका पेंशन का पैसा शो नहीं हो रहा है, इनवैलिड या नो रिकॉर्ड फाउंड लिख के आ रहा है, तो सही तरीका क्या है, आपको कैसे चेक करना है। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा पेमेंट स्टेटस, जैसा कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से चेक कर रहे होंगे अपना पेंशन का पैसा, तो यहाँ पर ऊपर में पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन शो हो रहा होगा। और अगर आप मोबाइल से चेक कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन शो नहीं होगा। आपको क्या करना होता है, यहाँ पर इस कार्ड में आपको 3 लाइन्स देखने को मिलती हैं, आपको 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, और आप 3 लाइन्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट स्टेटस वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको सिंपली इसी पे टच करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पर नीचे से दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर टच करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद में ये अगला स्टेप कुछ इस तरह का ओपन हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर ऊपर में लिख के आता है डीबीटी स्टेटस आप बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल, जैसा कि अब जो है सभी का पेंशन का पैसा अब डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। तो आपको अपने पेमेंट का स्टेटस कैसे चेक करना है, जैसा कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे आपको ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का, तो आपको सिंपली सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर टच करना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको बीच में एक ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा होता है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, इस पर आपको टच कर देना है, और इस पर आप जैसे टच करेंगे तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने शो होता है, जैसा कि डीबीटी स्टेटस वाले ऑप्शन पर बेनिफिशियरी वैलिडेशन और पेमेंट। तो आपको अपने पेंशन का पेमेंट चेक करना है, तो यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है, और यहाँ पर लिखा होता है एंटर एप्लीकेशन आईडी, तो अब आपको यहाँ पर अपने पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर सिंपली फिलअप करना है, जो भी आपके पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जैसा कि वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, आपको उस रजिस्ट्रेशन आईडी को एप्लीकेशन आईडी वाले बॉक्स पर टाइप कर देना है, और उसके बाद में इस कैप्चर कोड को यहाँ पर आपको वर्ड वेरिफिकेशन वाले बॉक्स पर टाइप करना है, जैसा कि आपके मोबाइल या कंप्यूटर में जिस तरह से भी ये कैप्चर कोड शो हो रहा होगा आपको उसी तरह से यहाँ पर टाइप करना है, और उसके बाद में आपको सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पर टच कर देना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप सर्च वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपका पूरा पेमेंट का डिटेल आपका शो होकर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर जितना भी आपका पेंशन का पैसा आया होगा या रिजेक्ट हुआ होगा या फेल्ड हुआ होगा, यहाँ पर पूरा पेंशन का पैसा यहाँ पर शो होकर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी जो अप्रैल मई जून का पेंशन का पैसा भेजा गया था यहाँ पर आप देखेंगे तो ये विधवा पेंशन का पैसा यहाँ पर इनका पेमेंट फेल्ड हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट फेल्ड भी लिख के आ रहा है, यहाँ पर 22 जून को यहाँ पर इनका पेंशन का पैसा भेजा गया था। तो आपका भी अगर पेंशन का पैसा फेल्ड हो गया होगा तो यहाँ पर फेल्ड लिख के आ रहा होगा, और अगर आपका पेंशन का पैसा यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो गया होगा तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेस भी लिख के आ रहा होगा, और यहाँ पर आपका 3000 रुपये अमाउंट में शो होकर आ रहा होगा, आप इस तरह से चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसी तरह से जो है आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से जो है बिना बैंक जाए बिना किसी ओटीपी के अपना पेंशन का पैसा चेक कर सकते हैं पीएफएमएस पोर्टल से। तो अगर आपका कोई सवाल होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आपको पेंशन रिलेटेड संबंधित इस चैनल पर हमेशा अपडेट मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।